केसरिया बाल पधारो रे दे। नमस्कार, दुरुस्त न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है लीलाधर भोपा, जो एक बहुत बेहतरीन साज, जो राजस्थान का बहुत लोक फोक संगीत है, इस साज को रावणथा कहते हैं, और ये इस कला में इतने माहिर हैं कि हमें इन्होंने एकदम बेहोश कर दिया। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर ये कितने सालों से आप ये साज बजा रहे हैं? ये बहुत सालों से हमारे दादाजी पिताजी ने, बहुत पुराना साल है, 200-300 साल पुराना है। आप कितने साल से ये रावणथा बजा रहे हैं? मैं तो 10-15 साल से बजा रहे हैं। पिताजी से सीखा आपने। तो ये रावण था, इसमें रावण का नाम क्यों आया? क्या मालूम सर, ये पता नहीं कि हमारे दादाजी ने ये नाम रखा है, रावण जी ने रावण बना दिया, इसको नाम रावण था रखा है ना, ये पता नहीं इसका कैसे रखा है, कैसे नहीं। तो इसको सीखने में कितना समय लगता है? समय इसको 12-2 साल लग जाते हैं। धीरे 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 बचपन से सीख, जैसे 10-12 साल का हो गया तो धीरे धीरे इसको रियाज करते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं। इस कला को आप आगे भी बढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे भी सीख रहे हैं? बच्चे भी सीख रहे हैं। आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, आपने कभी बॉलीवुड ट्राई क्यों नहीं किया, हिंदी सिनेमा? नहीं सर, ऐसे में हम नहीं गए, ऐसे कभी नहीं गए, हम तो सिर्फ होटलों में। तो चाचा है, देश विदेश भी गए हैं। आप कभी गए विदेश? नहीं नहीं सर, हमारे। अच्छा, चलिए, आपको एक दिन इस तरह से बजाने के लिए कितनी तनख्वाह मिलती? तनख्वाह तो 10-15 हज़ार रुपये मिलती है, 10-10 हज़ार रुपये। 10 हज़ार रुपये पूरे महीने की? पूरे महीने। तो 10 हज़ार रुपये पूरे महीने की? 15,000-10,000। 15,000। उसके बाद कुछ और के, उसके अलावा कुछ और आपको इनकम? आप नहीं, इनकम नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम आता तो प्रोग्राम में जाते हैं। जो आपकी क्षमता है, जिस तरह से आप बजाते हैं, जिस तरह से आपकी आप गाते हैं, 10-15 हज़ार में आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है, और आउटसाइड में दूसरा प्रोग्राम करते हैं, उसी से गुजारा हो जाता है। चलिए, तो हमारे साथ जो कलाकार हैं, इनकी तनख्वाह से ज़्यादा इनको जो संतुष्टि मिलती है अपने मन की, वो ज़्यादा है, और जो लोगों को ये खुश करते हैं, जो जिस तरह से ये लोगों को अपने अपने अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारी दरख्वास्त है उन लोगों से जो इन जैसे कलाकारों से मिलते हैं, देखते हैं, तो बैठिए उनके साथ, कुछ बातें करिए, और उनकी हौसला अफजाई के साथ उनको कुछ ऐसे मोटिवेट करिए कि कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, जो उनकी मासिक आमदनी है, वो बढ़े। और 10-15 हज़ार रुपये मुझे यकीन है, ये तो बड़े मन से कह रहे हैं कि हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, आज ये स्थिति है कि पेट्रोल के दाम 80-85 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसी के हिसाब से बाकी तमाम महंगाई होती है। हमारे जो भाई हैं, इनके लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, इन जैसे हज़ारों कलाकारों के लिए राजस्थान की सरकार और जो मध्य की केंद्र की सरकार है, ये दोनों ही सोचेंगी। ये जो कला है, ये इतनी आसानी से नहीं सीखी जाती है, इसको सीखने में सालों लग जाते हैं, तब जाके ये अपनी पकड़ बना पाते हैं। और जिस तरह से ये गाते हैं, यकीनन कोई भी सिनेमा में या फिर कोई भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में शायद ऐसे गाने वाले नहीं हैं। अगर आपने इस कला को अभी नहीं बचाया, इनकी आमदनी नहीं बढ़ाई, तो ये कुछ और, कोई और नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, या फिर चाहेंगे कि इनके बच्चे कुछ और नौकरी करें, कुछ और पेशा ज्वाइन करें, और ये कला यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, जो कि हमारे भाई अभी नहीं करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया। एक और इनसे एक मधुर वाणी सुनते सुनते हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। ओ बदला मारा गोरे बंदना, ओ बदला मारा गोरे बंदना करा, ओ लड़ले लो माझू महाराज महारा, लड़ले लो माझू महाराज महारा, गोर बंद न कर पाल जा मारे, गोर बंद न कर
रंगीन राजस्थान की मिट्टी, जो भीनी भीनी मिट्टी है, वो इन जैसे कलाकारों की वजह से है। जो राजस्थान का टूरिज्म है वो इन कलाकारों की वजह से है। हमारी दरख्वास्त है कि आप इस कला के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को कहें राजस्थान एक बारी आएं और इन लोगों से मिलें और इनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएं। धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें, हम जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।